क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत ग्रेगरी महान का पर्व मनाते हैं। उनका जन्म एक धनी और संपन्न परिवार में हुआ था। उनका जन्म 504 ईस्वी में हुआ था। मात्र 33 वर्ष की उम्र में वे रोम के मेयर बन चुके थे और विशेष रूप से उन्होंने कलीसिया की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। उन्होंने बेनेडिक्टाइन संस्था में शामिल होकर अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। 590 ईस्वी में वे पहले संत थे जो कि मंक थे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस संत को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इस संत ने जो रूढ़िवादिता कलीसिया में शामिल थी उसको इन्होंने मिटाया है। और ग्रेगरी महान ने कलीसिया में जो पूजन पद्धति थी उसमें कई परिवर्तन किए और एक नई दिशा, एक नई किरण उन्होंने कलीसिया को दी है। संत ग्रेगरी को विशेष रूप से उनके संगीत के लिए भी जाना जाता है क्योंकि जो संगीत है ग्रेगरियन चांट के नाम से जाना जाता है और यह ग्रेगरियन संगीत पूरे संसार भर में विशेष रूप से अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है और इसे कलीसिया के हर एक जगह पर आज भक्ति भाव से गाया जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, इस संत ने हमें एक नई दिशा प्रदान की है। संत ग्रेगरी की मृत्यु 12 मार्च 604 ईस्वी में हुई थी और वे विशेष रूप से संगीतज्ञों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के संत माने जाते हैं। आइए हम विशेष रूप से संत ग्रेगरी से निवेदन करें कि वे हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलें कि हम भी संत ग्रेगरी के समान प्रभु की स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें, अपने नए नए गीतों द्वारा प्रभु की महिमा गा सकें। आइए कुछ क्षण मौन रहते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।